हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द मच मच टॉक्ड अबाउट फिल्म कार्तिकेय 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, उसके इंक्रीजिंग शो काउंट्स के बारे में, और जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह का ऑडियंस रिएक्शन, जिस तरह का तहलका लिटरली ये मचा रहा है अपने छोटे से रिलीज में, उसके बारे में हम लोग सब बात करने वाले हैं। वो अलग लेवल का एक यूफोरिया क्रिएट कर रहा है। देखो, कार्तिकेय 2 कल रिलीज हुई, एक तो सैटरडे को रिलीज हुई जबकि नहीं होती है, लेकिन मेकर्स की मजबूरी थी, उनको अपना मन पसंदीदा रिलीज डेट नहीं मिला और बहुत सारा केओस मचा इसको लेके। लेकिन जब भी फिल्म रिलीज हो गई वहां पे वो सब बातें खत्म हो जाती हैं। अब फिल्म रिलीज हो चुकी है, अब फिल्म का कंटेंट बोलेगा, अब फिल्म का मेरिट बोलेगा, अब ऑडियंस का माउथ बोलेगा, यानी कि उनका जो रिएक्शन है, उनका जो रिव्यूज है वो आएगा और वो कमाल का निकल के आ रहा है। मतलब हर जगह कार्तिकेय 2 के बारे में सुन रहे हैं। और ये कितने स्क्रीन में रिलीज हुई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। मात्र 600 से 650 थिएटर्स में रिलीज हुई वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसका जो कलेक्शंस निकल के आया है वो चौंका देने वाला है। हर जगह पे लगभग इसका फुल ऑक्यूपेंसी रहा है, 80% के ऑक्यूपेंसी पे ये खुला है। हाउसफुल के बोर्ड्स आपको देखने को मिले हैं, इस तरह का क्रेजी रिस्पॉन्स मिला है। क्योंकि एक तो ये कार्तिकेय 1 जो है वो बहुत ही अक्लेम फिल्म थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे लोग कार्तिकेय 2 के बारे में, स्पेशली इसका जब ट्रेलर आया था, जिस तरह से इसने एक थ्रिल मचाया था, एक तरह से क्यूरियस किया था लोगों को। और स्पेशली जो श्री कृष्ण वाला एंगल है, एक्सप्लोरिंग द ट्रूथ ऑफ श्री कृष्ण, ये लाइन पढ़ के ना वो हम मेरे रोंगटा खड़ा हो गया था। हम लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अभी तक हम ये फिल्म देख नहीं पाए क्योंकि अभी तक यहाँ पे लगी नहीं है, लेकिन इसके शोज काउंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, बढ़ना शुरू भी हो गए हैं, और अभी आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे और एक ऐसा क्रेज होगा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की आप इस फिल्म को याद रखा जाएगा डेफिनेटली। देखो, स्टार्टिंग में हिंदी का बात करते हैं हम लोग, तो हिंदी में क्योंकि ये हिंदी रिलीज भी है तो हिंदी में लोग वेट भी कर रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदी में उस तरह का रिलीज नहीं हुआ। हालांकि जो निखिल हैं उन्होंने बताया भी था कि 200 प्लस स्क्रीन्स में ये रिलीज होगी, लेकिन जब ये एक्चुअली में रिलीज हुई थी कल तो लगभग इसको 120 से 125 स्क्रीन्स ही मिल पाए थे, 50 से 60 थिएटर्स में ही रिलीज हो पाई थी। और अब रिलीज काउंट जो है इसका कितना कम था हम आपको बताते हैं। 7 से 8 लाख का कलेक्शन आया इसका हिंदी में, जो कि लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन जितना इसका कम रिलीज था उसमें अगर आप देखो, कंपेयर करके देखो, तो ये कलेक्शंस बहुत ही जबरदस्त निकल के आए हैं और वर्ड ऑफ माउथ तो अलग ही लेवल का चल रहा है। और एक्साइटमेंट इतना आ रहा है, क्रेज इतना आ रहा है, मन इतना कर रहा है इस फिल्म को देखने का कि हमको मतलब कभी कभी ये भी थॉट आ रहा है कि यार डाउनलोड करके देख लेंगे, लेकिन हम फिर भी वेट कर रहे हैं क्योंकि हमको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों में हो सकता है कि ये थिएटर में लगे यहां पे भी और हम जाके देखेंगे और उसके बाद प्रॉपर रिव्यू करेंगे। क्योंकि बहुत सारा कुछ सुनने में आ रहा है, बहुत सारा चीजें सुनने में आ रहा है, स्पेशली अनुपम खेर साहब का एक मोनोलॉग के बारे में बहुत सुन रहे हैं। हालांकि हम देखे नहीं, मन कर रहा है देख ले, लेकिन हम उसको थिएटर में ही देखना चाहते हैं, थिएटर में ही इंजॉय करना चाहते हैं। और अब मुंबई, ये जो रिलीज है ना मुंबई में, इतना छोटा था, इतना कम था हिंदी में कि आप मुंबई जो कि बहुत बड़ा टेरिटरी, हिंदी मार्केट का सबसे बड़ा टेरिटरी, वहां पे आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 शोज थे इसके पहले दिन। दूसरे दिन वो शोज बढ़ के अब 20 से ज्यादा शोज हो चुके हैं और कल इसका 50 से ज्यादा शोज होने वाला है, लिस्ट होने वाला है। कल ही प्रोड्यूसर्स ने भी आके बताया था प्रेस मीट में कि हम लोग इसके मतलब 500 शोज और बढ़ाने वाले हैं, तो अभी ये सिलसिला चलते रहेगा। ये फिल्म बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत लंबा चलेगी। और इसके जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकल के आए हैं, क्योंकि वहां पर तेलुगु इंडस्ट्री में शेयर कलेक्शन और ग्रॉस कलेक्शन अलग अलग टाइप का वो होता है, तो ग्रॉस कलेक्शन जो है इसका लगभग 9 करोड़ के निकल के आया है और जो शेयर कलेक्शन है वो 6 करोड़ का निकल के आया है। सो ये आप देख सकते हो कि इतने कम, इतने मिनिमम रिलीज में ये किस तरह का कमाल कर रहा है। वहां पे जो ओवरसीज बॉक्स ऑफिस है वहां तो उसने पहले दिन ही अपना ब्रेक इवन अचीव कर लिया है, और इसके जो प्रीमियर्स हुए थे उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और डे वन तो प्रीमियर से ज्यादा निकल के आ रहा है। मतलब इस तरह का क्रेजी रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। अनफॉर्चुनेट बात है कि इस फिल्म को ऐसा रिलीज मिला नहीं, दिस फिल्म डिजर्व्ड अ सोलो रिलीज और उसके बाद एक लंबा रन अगर इसको मिलता। अभी जैसे कल सैटरडे था, संडे है, कल इंडिपेंडेंस डे है, ये प्रॉपर ये एंजॉय करके ले जाता, और अभी जन्माष्टमी भी आ रही है तो उस दिन तो हम सोच रहे हैं कि किस तरह का क्रेज होगा इस फिल्म का, क्योंकि 18 को जन्माष्टमी, तब तक अच्छे खासे दिन है, तब तक वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेजी से स्प्रेड करेगा और उसके बाद क्या कमाल होगा। अब 6 करोड़ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बहुत कम है, लेकिन आप याद करो एक फिल्म आई थी कुछ महीनों पहले कश्मीर फाइल्स, तहलका मचा दिया था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 3 करोड़ पे वो फिल्म शुरू हुई थी, 250 करोड़ ठोक दिए थे उसने। कुछ वैसा ही कार्तिकेय 2 भी करने वाली है, क्योंकि ये हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री इन सबसे रिलेटेड है, एंड कृष्णा इज द अल्टीमेट ट्रूथ, कृष्णा इज द ट्रूथ हैशटैग वो चलाते हैं, और कृष्णा इज द अल्टीमेट ट्रूथ, और उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया। हम बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं स्पॉयलर फ्री वाला, जैसे स्पॉयलर जैसा कुछ आता है तो हम बंद कर देते हैं वो रिव्यू, बहुत सारे रिव्यूज हम देख रहे हैं, बहुत सारा
ऑडियंस का रिएक्शन, बहुत सारा कुछ मतलब पढ़ रहे हैं हम इस फिल्म के बारे में, हर एक चीज जो हम पढ़ते हैं, हर एक चीज जो हम देखते हैं वो मेरा एक्साइटमेंट को अलग लेवल पे ले जाता है, हमको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमको मतलब हम बता नहीं सकते कि कितना हमको मन कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक यहाँ पे नहीं लगा, लेकिन जो इसके शोज काउंट है बहुत तेजी से बढ़ने वाले, उसका कलेक्शन है ना इस तरह से रॉकेट करेगा ना ऊपर कि सबको देखेगा और सबको याद करेगा कि दिस इज द पावर ऑफ सिनेमा, दिस इज द पावर ऑफ गुड सिनेमा, दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट। और जब कंटेंट बोलता है, जब पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ बोलता है, जब पब्लिक खुद आके किसी फिल्म को प्रमोट करती है, कश्मीर फाइल्स को किसी ने प्रमोट नहीं किया, पब्लिक का आई थी, पब्लिक ने इस फिल्म को प्रमोट किया और कहां से कहां पहुंचा दिया। और उसके बाद अब ये कार्तिकेय 2 के बाद भी आई होप कि इस फिल्म के साथ भी वैसा ही हो, जो कि होना शुरू भी हो चुका है, धीरे धीरे हर जगह पे लगे। और उसके बाद कल ही हम एक वीडियो बनाए थे इसके बारे में, तो कमेंट में भरा हुआ था यार यहाँ भी नहीं लगी, बहुत देखने का मन कर रहा है, हर किसी का यही रिएक्शन। क्योंकि आप देख के चलो कि हिंदी में हम आपको जब बता रहे हैं कि 118 120 ऐसे 122 शोज इसके टोटल हुए थे, तो आप समझ के देखो कितना कम इसका बैंडविड्थ था और उसमें भी इसने इतना अच्छा कलेक्शंस करके दिखाया है, वहां पे भी हाउसफुल्स लगे थे। सो आई एम जस्ट होपिंग कि बहुत जल्दी जितने भी जगह पे है वहां भी लग जाए ये फिल्म और सबको इस फिल्म को देखने का मौका मिले, क्योंकि दिस फिल्म डिजर्व्स दैट एवरीवन शुड सी दिस। और उसके बाद फिर जो इसका जहां पे लाइफ टाइम खत्म होगा ना, वो एक इतिहास ही बन जाएगा। सो आप का क्या ख्याल है इन सब के बारे में? आपने कार्तिकेय 2 देखा है कि नहीं देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर देखा है तो कैसा लगा है, हो सके तो अपना रिव्यू बताना स्पॉइलर फ्री तरह से, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जरूर बताना, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।